बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन। शुरू करते हैं जी आज के व्लॉग अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और गफूर रहीम है। आज इंग्लैंड में हमारा पहला रोज है, चार बज चुके हैं, सहरी का वक्त हो जाता है। अभी उस्मान भाई का वेट करने का, उस्मान भाई किधर रह गए हैं? चूंकि उस्मान भाई सहरी में हमेशा लेट ही आते हैं, तो कोशिश कर रहे हो कि उस्मान भाई आ जाए, तो सहरी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यूके में हम सहरी किस तरह करते हैं और सहरी में क्या हमारा मेन्यू होता है, क्या चीज़ें पसंद करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उस्मान भाई आखिरकार पहुंच गए ने भाईजान, आज रोजे शुरू हो गए ने। जी जी, क्यों नोट दे यार, राती बहुत लेट सोता सी थे, बस आखिर और चेक कर ले सर, तकरीबन 20 मिनट रह गए ने। हां बस टाइम थोड़ा ही रह गया, और थोड़ी सारी माशाल्लाह शुरू होती तो खत्म ही नहीं होती। नहीं नहीं इंशाल्लाह मुख्तसर ही होएगी, तुम्हें पता है रोजे ने, तो कोशिश तो यही है कि बहुत ज़्यादा दबा के नहीं खाना, थोड़ा लाइट ही खाना है, तो टाइम है भी 5 मिनट है ने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि गल बन जाएगी। ओ बैठो आ जाओ बिस्मिल्लाह, नाले सारा नु थोड़ी लाइट सारी दिखाने हैं। हाँ जी क्यों नहीं, उमर भाई माशाल्लाह पहले वेट कर रहे ने, तो खिजर भाई भी वेट कर रहे ने, यह जी है उस्मान भाई की सहरी जी है, ये जरा लाइट चेक करना माशाल्लाह, ये लाइट सहरी है, तो पता नहीं जी भरी भी सहरी होंगी है वह किमें होंगी है। उस्मान भाई तो काफ़ी रंग बिरंगी चीज़ें सुबह माशाल्लाह सहरी ट्राई कर दी ने, मेरी अला सहरी आई नहीं, मेरी सहरी तो इतनी सिंपल होनी है कि तुम भी हैरान है जो कि मैं कर की रहा सहरी चचकर। तो माशाल्लाह उस्मान भाई सहरी तो टुट पे ने, तो की कर रहे हो सहरी सरकार? आ जनाब दाल पक्की है। अच्छा वाह जी वाह, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਸੀ ਗਿਰਾਲ ਇਹ ਸੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਰੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸੀਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਾਂਠਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਪਰਾਂਠਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਬੇ ਨਾਲ। ਸੈਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਰੀ ਮੇ ਹਮਨੇ ਪਰਾਠਾ ਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਾਲ ਥੀ ਔਰ ਚਾਏ ਥੀ, ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇਂਗੇ। तो जी अफ्तारी बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है किचन में, तो पहले चीज़ बनाई जा रही है चिकन चावलों के लिए, क्योंकि हमने पकाने हैं चिकन वाले चावल, और उसके साथ ही अगर मैं दिखाऊं तो साथ वाले पतीले पे मसाला तैयार हो रहा है सब्ज़ी के लिए, तो एक पकाएंगे सब्ज़ी और उसके साथ बनाएंगे इंशाल्लाह आलू वाले चावल। मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भुना जा चुका है और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसमें पानी डाल के और चावल डालेंगे। अभी पानी डाल दिया गया जी चिकन में, आप देख सकते हैं, अभी इसमें चावल डालेंगे तो ये बन जाएंगे चिकन वाले चावल। तो ये वो चीज़ है जी जिसके बगैर अफ्तारी नामुकम्मल होती है। ये जो हमारी आज की मेन डिश है वो है चावल चिकन वाले, माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत बने हुए हैं और इनको देख के मुँह में पानी आ गया है, उम्मीद करता हूँ खाने में इतनी मज़ा देंगे। ये हमारी अफ्तारी आ चुकी है, अभी कुछ चीज़ें आना बाकी हैं। ये प्लेट उस्मान भाई अपने लिए काफ़ी देर से पहले से तैयार कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एडवांस में ही, तो
अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं अफ्तार के लिए। मुसलमान फ़लस्तीन में और गज़ा में जो है वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी ऐसे ही नियमतें अता फरमाए। हम तमाम अल्लाह ताला के दी नियमतों का शुक्र अदा करते हैं। माशाल्लाह पकौड़े आ चुके हैं जो कि बहुत ही लजीज नज़र आ रहे हैं और काफ़ी देर से इनका इंतज़ार हो रहा था, तो अब इंशाल्लाह पकौड़े सामान भी खाएंगे और आपको बताएंगे। देखिए भी अच्छे लग रहे हैं, पकौड़े अच्छे लग रहे हैं। चलो ले फिर शुरू करिए, बस मिला करिए। उस्मान भाई चार रखिए, किधर जा रहे हो यार? वो दूध खत्म हो गया, दूध लेने जा रहे हैं। नहीं यार हाँ। मैं तो सुना चाह बिल्कुल बन गई है, चाह नु उबाले भी तो आ गए सन। ओ चाह नु उबाले आ गए सन, तुहानू पता है ना तुसी आ जो दूध ते जामा श्री वाला सारा सिस्टम बनाया है सारा तुसी पीता, कैसी गल्ला कर रहे हो? ओदी वजह तो दूध खत्म हो गया, चल के खा पी के ते जा मेरे ते ला रहे हो, ते आ जाओ दूध लेने चली आ जाओ। चलो आ जाओ। रोज़ा तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, पता ही नहीं चला। टोटल कितने घंटे का रोज़ा था आज? यार रोज़ा बंद हुआ है 4:30 बजे। अच्छा। तो 4:30 से लेके तो 6 बजे तक जो है ना वो रोज़ा रहा है। मैं गिनता हूँ, हाँ, मेरी गिनती बहुत अच्छी है। हाँ, गिन लो। अगर 4:30 हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोज़ा रहा है तकरीबन 11 घंटे का। 11 घंटे का? हाँ, कुछ भी नहीं है ये। मैं तो काफी लंबा नहीं है? नहीं यार कहाँ लंबा है। अच्छा हाँ, इससे भी लंबे होते हैं? ओ यार गर्मियों में तो रोजे, मुझे याद है कि जब सितंबर का महीना आएगा यूके में, हाँ, तो रोजा हमारा बंद होगा 3:30 बजे और खुलेगा रात को तकरीबन 10, 10:30 बजे। अच्छा जी हाँ, ये तो फिर 18 घंटे का हो गया। जी हाँ 18 घंटे का हो गया बिल्कुल। वाओ। तो जी असं फाइनली पहुँच गए दुकान, हम लाने दुध दिया दो बोतल के चार चार ले लो यार, चार लैके चल सुबह सुबह नहीं आना होता मेरे को। हाँ, जाके बनाने सोनी जी दुध पत्ती, चूंकि टाइम नहीं है उसके बाद हमने तरावी पढ़ने जाना है। और कल मैं गया था तो मस्जिद में ना काफी रश था। अच्छा। तो कम से कम 20 मिनट पहले जाना होगा ताकि अंदर बैठ सके, चूंकि बाहर सर्दी है, बाहर नमाज पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। दो और लेगा, दो बेशक ग्रीन ले लो। कौन सी बंगाली मस्जिद में गए थे? नहीं यार जो अपनी सेंट्रल मस्जिद है। अच्छा 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 ठीक। जिसमान भाई इंतजार कर रहे हैं, खरीयत है? हाँ यार कार डिक्लाइन हो गया। क्या आप बात कर रहे हो? हाँ नहीं यार सही बात है। ये कैसे हुआ? वो बस वो छोटे भाई का लेके आया ना कार्ड। तो भाई ने क्या प्रैंक नहीं किया रोजों में? लगता कुछ ऐसे ही है। अच्छा तो अभी घर जाना है या नहीं? अभी उधार लेकर जाना है? नहीं उधार तो ये देते नहीं। हाँ तो और कार्ड लाया वो नहीं हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ, इस कार्ड में पैसे डालेगा तो फिर पेमेंट करूँगा। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो हो गया जी मुबारक। हाँ। हाँ। जी उस्मान भाई यार बस अल्लाह ने इज्जत रख ली। अच्छा बस गया। थैंक यू सो मच। चाह पी ली असी, अफतारी भी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो हुण असीं जा रहे हैं तरावियां पढ़ने लई। मस्जिद हमारे घर से 5 मिनट दूर है, जाम जा रहे हैं तरावियां पढ़ने के लिए, तो इशा की नमाज भी अदा करेंगे साथ में तरावियां अदा करेंगे और आपको भी अपनी जो करीबी मस्जिद है वो दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं नमाज पढ़ने और तरावियां पढ़ने के बाद। कालिमा भी ऐड कर ले। उस्मान भैया की पढ़े यार ये टैबलेट ले रहा हूँ। खरीद है? हाँ थोड़ी हेडेक हो गई थी तो मैंने कहा थोड़ी टैबलेट ले लूँ ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो लगता आपने सारी ठीक नहीं की ना ये अफतारी ठीक की है? नहीं चक्कर क्या है, सारी भी ठीक की है अफतारी भी ठीक की है, बस वैसे थोड़ी हेडेक हो गई है तो दो टैबलेट ले ली, इंशाल्लाह अभी आधे घंटे में आराम आ जाएगा। नहीं थोड़ा सेहत का ख्याल करें, पूरे जो है ना वो मुल्क की किस्मत जो है वो आप पे डिपेंडेंट है। नहीं नहीं तो थोड़ा बहुत ख्याल करें, रोजे आ गए तो
روزے میں اللہ آپ کو صحت دے اور جنہیں دیکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے تاکہ وہ روزوں میں بھرپور عبادت کر سکیں. ماشاء اللہ جی عدیل بھائی بھی پہنچ چکے ہیں مسجد تراویح پڑھنے کے لیے. اگلی گاڑی میں عدیل بھائی اور عمر بھائی ہیں اور پچھلی گاڑی میں میں عثمان بھائی کمران بھائی اور خضر صاحب جو ہے وہ مسجد کی ہم جو پارکنگ ہے وہاں پہ ہم آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. اب گاڑی پار کرنی ہے اور اس کے بعد مسجد بھا کے جانا ہے. نہیں بھا کے تو نہیں جانا, چل کے جائیں گے چونکہ تھوڑی بہت بارش بھی ہو رہی ہے. جی عدیل بھائی پہنچ گئے ہو, کیسا گزرا تھوڑا روزہ؟ الحمدللہ. اچھا گزر گیا یار, اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. کیوں؟ اس نے بھی روزہ رکھا ہے. عدیل افطاری کیسی بنی ہے آج؟ اور عمر تیری افطاری کیسی رہی؟ عمر جو ہے وہ ہمارا آج کل جو رمضان مینیجر ہے, صبح سحری میں اٹھانا بلکہ تین تین مرتبہ اٹھانا اور سرونگ کرنا یہ عمر بھائی کی اس رمضان میں ذمہ داری ہے. اور ماشاءاللہ عمر بھائی بڑے زبردست طریقے سے اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. یہ جی عدیل بھائی ہیں. عدیل بھائی کا ایک ہی فرمولہ روزہ رکھنے کا, رات کو ڈبل افطاری کر لیتے ہیں اور صبح سحری پہ اٹھتے نہیں ہیں. عدیل بھائی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, افطاری میں کیوں نہیں اٹھتے؟ عوام جاننا چاہتی ہے کہ آخر ایسا عدیل صاحب کیا کھاتے ہیں رات کو جو صبح سحری پہ اٹھ نہیں سکتے. عوام جاننا چاہتی ہے کہ یار ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پورا دن جو ہے وہ فل رکھتی ہے. کی چیز کہنا یار, تو پوری دن سروائیو کرنا بغیر سحری کیتے. الحمدللہ. تو ماشاء اللہ جی ہم مسجد پہنچ چکے ہیں, یہ ہماری مسجد ہے. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد بھی, اور امید ہے کہ جگہ مل جائے گی اندر چونکہ باہر کافی سردی ہوتی ہے. ماشاء اللہ پانی پڑا ہوتا ہے, تمام نمازیں پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. بیستی گروپ واپس آ چکا ہے جی. جی عثمان بھائی نماز پڑھ لی ہے, ڈھیر ساری دعائیں کی ہیں آپ سب کے لیے اپنے لیے, اور آج بہت اچھا دن رہا ہے. ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.